राजस्थान में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इनमें से एक नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट भी है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। स्वाभाविक तौर पर आरएलपी इसे अपने ही खाते की सीट मान रही है। हालांकि कांग्रेस इस सीट के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी की परेशानी बढ़ा सकती है। कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हुआ था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक में नए बुलाए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही बाड़मेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल की आरएलपी छोड़ कांग्रेस से चुनाव लड़ने के मामले में भी आपत्ति जाहिर करते हुए बयान दिया था, और वो ये भी कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर था। अब हनुमान बेनीवाल के इस रुख को देखते हुए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। चुनावी तैयारियों के बीच सवाल ये भी है कि इस बार कांग्रेस और आरएलपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर आमने सामने होंगे। इधर चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं का गठबंधन को लेकर विरोध भी जारी है। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्टी नेता जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारी खींवसर विधानसभा सीट पिछले 20 सालों से कमजोर है, अब समय आ गया है कि एकजुट होकर ये संगठन मजबूत करे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन की बात को भी दरकिनार किया। कार्यकर्ता का ये भी कहना था कि जो भी सभी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए, उन्हें मनाकर पार्टी में वापसी कराई जाए। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस गढ़ में साल 2023 के चुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कड़ी टक्कर के बावजूद चुनाव जीता था और बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बेनीवाल और ज्योतिमर्दक की टक्कर हुई, जिसमें बेनीवाल ने फिर परचम लहराया। अब रेवत राम डांगा एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं। इधर ज्योतिमर्दक के चुनाव लड़ने की चर्चा के चलते भी बीजेपी में खलबली मची हुई है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।